इस वाली वीडियो के आप NTSC NMMS जो आप नवी सीरीज स्टार्ट की उसका नैक्सट टॉपिक हैगा ब्लड रिलेशनस। इस टॉपिक न रिलेटड जो अपने MCQ आ वो वाले आप डिस्कस करने हैं। तो डिस्कस कर तो पहला क्वेश्चन कुछ के कंसैप्ट आइडिया कि आप क्वेश्चन करना किमें है। तो देखो जदों भी आप इस तरह के ब्लड रिलेशन वाले क्वेश्चन करने हैं तो आप इन्हों वास्ते एक स्पैशल टेबल बना लिया करना ताकि अपन जो हल करना सौखा हो जाए। तो ये आप टेबल किमें ड्रॉ करना कि जिमें अपने कोई एक व्यक्ति दिता वा जे तो वो कोई भी एक व्यक्ति हो सकता पहला तो यह नोट करना आप जे तो आप पिता की गल करनी है जो उपर वो किसी होर उस तो व्डे रिश्तेदार की गल करनी है रिश्ते की तो उन्होंने आप करना उपर न इस तरह तीर का निशान लगा के उपर निशान लाना जो भी आप उस व्यक्ति तो की करनी है व्डे की गल करनी ए हो सकता अपने को उस व्यक्ति का पिता हो सकता दादा हो सकता माता हो सकती है इस तरह ठीक है। जो आप व्यक्ति दे हेठां वाले पासे नूं तीर लाना इहदा मतलब आप कर रहे हैं व्यक्ति दे जां तां आपां पुत्तर दी गल कर रहे हैं व्यक्ति तो छोटे बंदे दी गल कर रहे हैं व्यक्ति दी भतीजे दी इस तरह जिन्हें भी उहदे कोलों रिश्तेदार जिहड़े छोटे बन सकते हैं। जे आपां इहदे सामने तीर ला देंगे व्यक्ति दे इस तरह तो इत्थे इहदा मतलब आपां की लिया करांगे जां तां उहदा हम उमर आ जे आपां सामने तीर लाता जां तां भरा हो सकदा पत्नी हो सकता पति हो सकता ये सारे वास्ते आप करेंगे सामने निशान लाया करेंगे ठीक है। जां कोई भैन हो सकता आ रिश्तेदार जिहड़े उहदे जमां बराबर दे होणगे उहनां नूं आप इस तरह लाया करेंगे। जे आप उस तो वड्डे दी गल करनी आ जिवें पिता माता जां दादा उहनां नूं आप उपर दा तीर निशान ला के जे कोई पुत्तर भतीजा इस तरह की जां अपने कोल पुत्री इस तरह की आप गल करनी है तो उन्होंने थले वाला निशान ला के। हुण दूजा आसान करने वास्ते आप करना जदों भी आप जिवें व्यक्ति दे तां पिता की गल करनी है आप जदों भी अपने को जेंट्स होया करूगा मेल उदों आप जिहड़ा चिन्ह वरतना वह हैगा प्लस का। जे आप गल कर रहे हैं फीमेल की जिवें उस व्यक्ति की माता की तो आप लिखांगे माइनस तो उदों आप चिन्ह वरतना माइनस। ये तुसीं गल्लां हुण समझ लो क्योंकि ये जदों आप हुण टेबल इस तरह बनाया करांगे इस ट्रिक दे नाल इहनूं ट्रिक कह लो जां थोड़ा जिहा आपां वर्गीकरण क्वेश्चन दा करिया करांगे फिर अपना क्वेश्चन जिहड़ा बहुत आसान हो जाया करूंगा। जे तुसीं इस टेबल तो बिना सवाल हल करन दी कोशिश करोगे तो अपना टाइम भी खराब होगा तो अपना क्वेश्चन भी बिल्कुल जिहड़ा राइट होण दे जिहड़े चांस आ उह नहीं हैगे। तो हम देखते हैं इन्नी गल तुसीं दिमाग दे विच रखनी है कि आप जे वड्डे लई गल कर रहे हैं तो उपर दा तीर निशान लैके आना जे छोटे लई थले नूं जे उहदी उम्र दा जाने कि भैण भरा पत्नी पति कुछ भी है तो आप बिल्कुल सीधी लाइन ला देनी है लेटवीं रेखा। तो जे आप मेल की गल कर रहे हैं तो आप प्लस का साइन लगाऊंगा लगावे जे फीमेल है तो माइनस का। हुण फस्ट क्वेश्चन देखते हैं कि एक पति और पत्नी के 6 व्याहे हुए पुत्र हैं उस परिवार कुल किन्ने मैंबर हैं। तो एक अपने को पति और पत्नी तो ये किन्ने जने हो गए 2 जने गां इन्हां दे अपने को दिते हुए आ 6 व्याहे हुए पुत्र तो 6 गां इन्हां दे पुत्र दिते हुए आ अगे अपने को इत्थे 6 पुत्र आ तां इन्हां ने लिखिया व्याहे हुए आ तो 6 अपने को पत्नी आ जाणगे इत्थे तो कुल किन्ने जने हो गए इन्हां ने पुछिया। हुण 2 तां इही अपने को 6 पुत्र इन्हां दे 6 इन्हां दीआं पत्नियां अपने को आ गया तो किन्ने हो गए 6 ते 6 12 12 ते 2 14 तो कुल अपने को परिवार दे विच किन्ने मैंबर होणगे 14। तो ऑप्शन नंबर ए जी राइट ऑप्शन आजूगी। नैक्सट दूजा क्वेश्चन एक आदमी वाल इशारा करते हुए राहू ने कहा कि उसका पुत्र मेरे पुत्र का अंकल है उस आदमी का राहू नाल की रिश्ता है। तो एक आदमी वाल इशारा करते हुए राहू ने कहा तो इत्थे आपां सेंटर दे विच राहू नूं लिख लैने आ इहने की कहा कि उसका पुत्र एक कोई आदमी इत्थे अपने कोल आ इहनूं आदमी आ इहदे वल इशारा करते हुए कहा आदमी वल इस आदमी वल कि उसका पुत्र जिहड़ा आदमी इहदा पुत्र मतलब थले नूं आवांगे पुत्र का मतलब की आपां की लाउणा हैगा जोड़ दा चिन्ह
जिहड़ा पुत्तर आ मेरे पुत्तर दा, तो आह मतलब राहू ने कही कही यह गल, तो एदा भी की आजूगा इत्थे पुत्तर, मेरे पुत्तर दा अंकल है, मतलब आ दोनों आपस दे विच की आ अंकल दा रिश्ता इन्हां दा, आ वाला कौन बंदा इहदा अंकल आ। तां आपां इह दसना उस आदमी दा राहू दे नाल की रिश्ता, तो आ राहू आ जिहड़ा इहदा इस आदमी दे नाल की रिश्ता, इह आपां दसना वी की होऊगा। हुण इहदे विच देखो कि अपने कोल जिहड़ा इहदा पुत्तर आ उह इहदे पुत्तर दा की आ अपने कोल अंकल, ठीक आ। तो मतलब के की होगा कि जेड़ा अपने कोल ए आदमी आ ये की होगा राहू दा पिता होगा, क्योंकि फिर ही इहदा जेड़ा पुत्तर आ इहदे पुत्तर दा की हो गया अंकल, ठीक है। मतलब आ वाला आदमी जो हैगा इस बंदे दा पुत्तर ते आ वाले ये दोनों आपस दे विच की हो गए भरा। अंकल दा मतलब की हुंदा अपने कोल, इत्थे आपां चाचा नूं की लिख लैंदे हुंदे आ जां ताया नूं अंकल ये लिखते हैं, ठीक है। तो आह मुंडे का आह वाला चाचा या ताया होगा, तो आह वाले आदमी का राहू दे नाल की संबंध हो गया पिता वाला। तो यदि ऑप्शन की आ जूगी, ऑप्शन नंबर बी है जी, राइट ऑप्शन आ जूगी। थर्ड हैगा सिमरन युवराज की भैन है, तो इत्थे आपां लिख दिंदे आ सिमरन। तो भैन लई आपां इस तरह तीर दा निशान पालांगे, युवराज की भैन है, युवराज मतलब सिमरन की अपने को फीमेल आ, तो ये यदि की है भैन। तो युवराज का हजे अपन पता नहीं, युवराज सुभाष का पुत्र है, तो युवराज की है पुत्र आ सुभाष का, तो आप तीर उपर लैके जावे कि पुत्र आ सुभाष का, यदा मतलब की है युवराज की है अपने को प्लस वाला साइन आ मुंडा, ठीक है, सुभाष का पुत्र है। पूनम सुभाष की पत्नी है, तो पूनम की है अपने को सुभाष की पत्नी, मतलब सुभाष की हो गया अपने को मेल, पूनम हो गई है पत्नी, पत्नी ये हो जूगी फीमेल। हुण आपां ये दसना पूनम सिमरन दी की लगती है, हुण सिमरन ते युवराज की आपस दे विच भैण भरा, ठीक है। इन्हां दे पिता का नाम की है सुभाष, तो उहदी पत्नी का नाम पूनम, तो पूनम सिमरन दी की लगूगी माता, की लगूगी सिमरन पूनम दी माता। तो केड़ा ऑप्शन आ जूगा, ऑप्शन नंबर ए है जिहड़ा, ए राइट ऑप्शन आ जू। इस तो अगे चौथा अपने को इंग्लिश के अक्षर वाले काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं पेपर दे विच, की लिखा कि जेकर पी क्यू का भरा है, तो पी ते क्यू, पी की है क्यू का भरा, मतलब पी की है प्लस वाला साइन, जिहड़ा क्यू आ वह की है आर दी भैन है, जिहड़ा क्यू आ यह की आ आर दी भैन, तो मतलब क्यू की आ गया अपने को माइनस वाला साइन। इदो अगे आर की है टी का पुत्र है, जिहड़ा आर आ यह की पुत्र आ टी का पुत्र, मतलब आर की है अपने को प्लस वाला साइन। नैक्सट हैगा आर का पी नाल की रिश्ता है, आर का दसना आपां पी दे नाल की रिश्ता, तो आह वाला आर की है पी दे नाल, आ भी जोड़ वाला आ भी जोड़ वाला, दोनों के साइन इस तरह ही बने हुए आ, आ भैन भरा दोनों, आ भी भैन भरा, तो आर ते पी की हो गया आपस दे विच भरा भरा, ये इन्हां दे विचकार रिश्ता, क्योंकि दोनों के कोल प्लस वाला साइन आ तां करके मेल ही होणगे। तो ऑप्शन नंबर डी है जिहड़ी इहदी राइट ऑप्शन आ जू चौथे दी। पंजवां हैगा कि एम एन दा पुत्र है, एम की अपने कोल एन दा पुत्र है, तो एन उपर आ जूगा ये पिता, एम हुण एन का पुत्र आ मतलब यह की है प्लस वाला साइन, पी जिहड़ी के एन की भैन है, पी इत्थे पी आ जिहड़ी की अपने कोल एन की भैन है, तो पी की आ जूगा अपने कोल माइनस वाला साइन, इत्थे लिख देंगे भैन भरा भैन, ठीक है। तो डी उसका पुत्र है, डी है जिहड़ा पी का की है पुत्र, डी की है पुत्र, तो एम का डी दे नाल की संबंध है, दोनों आपस दे विच की होणगे। तो नॉर्मल जी गल अपने कोल कि यह दोनों आपस दे विच होणगे भरा, पर इस तरह होगा कि जिहड़ा एन दी जिहड़ी भैण आ पी उहदा पुत्र डी आ, तो एन का पुत्र की है एम, तो यह की आ जूगा अपने कोल चचेरा भरा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, सके भरा नहीं आउणगे,
क्योंकि ये दोनों आपस दे विच भैण भरा। पंजवां आएगा अपने को ए दा, ए भरा है बी दा, ए की है अपने को भरा की दा बी दा, मतलब ए दे नाल जोड़दा चिन्ह आ गया। बी दा हजे आपां नूं पता नहीं, बी धी है सी दी, तो बी की है अपने को धी है सी दी, मतलब सी बी की आजूगा माइनस का चिन्ह क्योंकि फीमेल आ। सी पत्नी है डी दी, तो सी की अपने को पत्नी आ कि डी दी, तो मतलब सी भी की आजूगा माइनस का चिन्ह, इतने लिख देंगे पत्नी। डी का ए नाल डी ए का की लगता है, ये दसना आपां वी जिहड़ा डी आ ओ ए का की लगता है। हुण आ दोनों की आपस दे विच भैण भरा, इन्हां जिहड़ा अपने कोले माता दा हैगी आ सी, ते उहदा पति की हो गया इहदा ए दा पिता, तो डी ए दा की लगता है, पिता लगता है, ऑप्शन नंबर ए है जिहड़ी राइट आ जूगी। सतवां ए बी दा भरा है, ए किहदा भरा हैगा बी दा, तो ए नाल प्लस दा साइन। ए सी दा पुत्तर है, ए होर की है सी दा पुत्तर, तो सी पुत्तर। डी सी दा पिता है, तो डी की है अपने कोले सी दा पिता, तो सी तो भी उपर एक अपने कोले चिन्ह जाऊगा डी, उहदा पुत्तर, तो सी नाल भी प्लस दा साइन आ गया। बी दा डी नाल की रिश्ता है, तो बी दा डी नाल की रिश्ता होगा अपने कोल इह दसना आपां, बी दा डी नाल रिश्ता, बी की हुण डी दा पोतरा, तो ए की आजूगा अपने कोल ऑप्शन नंबर बी है जिहड़ी राइट आजू पोतरा। ठीक है, तो ये करैक्ट आ ना। देखो दोबारा एक बार डायग्राम है फिर समझ लो सत्तवें दी, कि ए ते बी दोनों भरा, ए की है बी दा भरा है। इस तो अगे उन्होंने ये लिखता सी ए सी दा पुत्र है, तो सी आपां इत्थे लिख लिया भी इहदा पुत्र आ। इस तो बाद उन्होंने ये कहते डी सी दा पिता है, तो सी दा भी अगे पिता कौन सी डी। ठीक है, तो ए की हो गया जिहड़ा अपने कोले इस दा, ए ए दा भी होना अपने कोले, डी है जिहड़ा इहदा पुत्र आ, ए भी हैगा ते बी भी हैगा, तो इन्होंने बी नाल रिश्ता पुछया सी, तो की आजूगा ऑप्शन नंबर बी है जिहड़ी राइट ऑप्शन आ जी। तुसीं देख ही रहे होना कि जदों आपां टेबल बना के करते हैं तो बड़े आसानी नाल क्वेश्चन जिहड़े हो सकते हैं, टेबल तो बिना इन्हां नूं हल करना बहुत ज़्यादा मुश्किल आ, तो हो सकता कि आपां गलत भी कर लगे। तो जिन्ने आ अपने कोल इंग्लिश दे अक्षर वाले जिन्ने भी क्वेश्चन आ, ये तुसीं बड़े ध्यान दे नाल करने आ, तो बिल्कुल इस तरह टेबल बना के करोगे तो ये आसानी दे नाल तुहाडे कोल हो जाएंगे। तो इस तों नैक्सट वीडियो दे विच जिहड़ा अगला टॉपिक आ अपना, वो वाला आपां डिस्कस करांगे। Thank you.